हमारे आप सबको मालूम है कि बिजली के मामले में और गैस के मामले में हमारी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। मैं आपके सामने गैस के कुछ मामलात रखना चाहता हूँ। देखिए, पाकिस्तान के अंदर जो गैस प्रोड्यूस हो रही है सिर्फ वही दी जा सकती है, और जो गैस नहीं है वो तो दी नहीं जा सकती। तो हमारे पास जितनी गैस होती है वो हम बांट देते हैं। उसके अंदर भी जो सबसे पहला हमें हुक्म है वो ये है कि हमने सबसे पहले गरीब आदमी का ख्याल करना है। वज़ीर आज़म की बड़ी क्लियर हिदायत है कि अगर आपने किसी भी वक्त को मुश्किल फैसला करना है तो ये मुश्किल फैसला आपने गरीब के हक में करना है। इस मुल्क के 80% लोग जो है वो गरीब हैं, और उनका इस मुल्क के ऊपर उतना ही हक है जितना किसी भी साहिब हैसियत शख्स का हक है। और वजीर आजम का हुक्म यह है कि उनका पहला हक है, उसके बाद दीगर तकसीम होगी। इस वजह से मुझे तो उन्होंने बड़ा क्लियर मैंडेट दिया हुआ है, जब सर्दी हो जाती है और बलूचिस्तान में 0 डिग्री पे टेम्परेचर चला जाता है तो वो मुझे कहते हैं कि गैस फराहम की जाए। जब रोजे आते हैं तो मुझे कहते हैं कि सहरी और अफ्तार के वक्त लोगों को गैस फराहम की जाए, और अगर किसी जगह के ऊपर कोई झोल आता है तो वो मुझे कहते हैं कि आप तशरीफ ले जाएं और वहां पर जहां पर झोल आ रहा है वहां पर जाएं, और लीडरशिप के साथ, मनियार साहब यहां पर तशरीफ रखते थे, लीडरशिप के साथ बैठें और प्रॉब्लम को सॉल्व करें। और यही प्रॉब्लम सारी सॉल्व करने के लिए मैं मुल्क में जहां भी जाता हूं मेरा सिर्फ एक मैंडेट होता है और इसी मैंडेट के तहत मैं चल रहा हूं। इस वक्त क्योंकि गैस काफ़ी ज़्यादा दी जा रही है डोमेस्टिक सेक्टर को, और बलूचिस्तान को भी और डोमेस्टिक सेक्टर को भी, इस वजह से थोड़ी तंगी आई है जो कैप्टिव पावर के हवाले से इंडस्ट्री हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहम है, क्योंकि वही गरीब आदमी जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ उसका ज़रिया रोज़गार जो है वो जुड़ा है इंडस्ट्री से। अगर इंडस्ट्री बंद होगी तो उसका रोज़गार जाएगा। इस वजह से जहाँ पे एक तरफ हमारे लिए ज़रूरी है कि हम गरीब आदमी के लिए सहूलत पैदा करें, उसी तरह हम पे मुकर्रर है कि हम इंडस्ट्री की जिस हद तक भी गैस फराहम कर सकें वो करें। तो आज जो ये अभी हमारी आपस की गुफ्तगू हुई है वो इसी हवाले से हुई है, उसमें बहुत सी तजावीज़ भी सामने आई हैं। आज रात को दोबारा से SSGC के साथ भी मीटिंग होगी और फिर दोबारा मैं अपने दोस्तों के साथ मुशावरत करूंगा और कोई दरमियान का रास्ता ढूंढेंगे जिसमें इंडस्ट्री भी चलती रहे और गरीब आदमी का चूल्हा भी चलता रहे। तो इसी काम को जैसा आपने मेरे से पूछा आप किस लिए आए, इसीलिए मैं यहाँ पर हाजिर हुआ हूँ, और यही काम अभी अगले शाम को रोज़े के बाद नमाज वमाज के बाद बैठ के पहले SSGC से मीटिंग होगी और उसके बाद दोबारा हम एक मीटिंग। देखिए, इस वक्त तो गैस की जो भी तकसीम है वो जो हमारे एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स हैं और जो आइन है उसके तहत की जा रही है। अगर आइन के अंदर जो तकसीम है या जो कॉन्ट्रैक्ट्स ग्रैंडफादर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनको बदलना है तो ये CCI के पास ताकत है कि वो उनको दोबारा से रीनिगोशिएट करें। हमारी प्रॉब्लम ये आती है कि हम जितनी गैस हमारे पास रह गई है, ये झगड़े इस वजह से हो रहे हैं कि जितनी हमारी गैस की ज़रूरत है उतनी गैस की पैदावार नहीं है, और अगर उतनी गैस की पैदावार नहीं है तो फिर गैस कम मिलेगी। इसका सोल्यूशन वाहिद ये है कि अगर हमारी पैदावार कम है और हमारी ज़रूरत ज़्यादा है तो हमें इम्पोर्टेड गैस देनी होगी, इम्पोर्टेड गैस की कीमत ज़्यादा है। जी भाई,
जी मैं तो इसी वजह से कह रहा हूँ, उसी आर्टिकल के तहत कुछ चीज़ें, उसी आर्टिकल के तहत कुछ चीज़ें ग्रैंडफादर्ड हैं कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स, बाकी सारे 158 की मुताबिकत से उनकी तकसीम की जा रही है। और जहाँ तक ताल्लुक है गैस का, वो मैंने आपको बताया कि हमारी जो ज़रूरत है और जो हमारी पैदावार है वो उसमें मुताबिकत नहीं है। हमारे पास कुल मिला के पूरे पाकिस्तान के लिए 1600 के करीब MMCFD गैस अवेलेबल है, तो पाकिस्तान की ज़रूरत इससे कहीं ज़्यादा है। सिंध जितनी गैस प्रोड्यूस करता है और उसकी जो कंजम्पशन है उसमें मुनासिबत नहीं है, अब वो डेफिसिट हो चुका है, पहले सरप्लस हुआ करता था। बलूचिस्तान सर्दियों में डेफिसिट हो जाता है, पंजाब हमेशा से डेफिसिट है। तो हम वहाँ से बाहर से जो गैस लाते हैं वो लाते इस वजह से हैं कि हमारी ज़रूरियात ज़्यादा हैं और हमारी पैदावार कम है। अब जो असल में हमें प्रॉब्लम आ रही है वो ये है कि जिस भाव हम बाहर से गैस लाते हैं उस भाव कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं है। तो तरीकाकार यही है कि चाहे हम बैठ के आपस में फैसला करें, मुल्कगीर फैसला करें, बैठ के छोटे छोटे पॉकेट्स में फैसला करें, लेकिन जो इम्पोर्टेड गैस है और जो लोकल गैस है उसको मिला के एक ब्लेंडेड कॉस्ट निकाल के देनी होगी। फिर आप जिस गरीब आदमी को बचाना चाहें आप उस गरीब आदमी को बचाएंगे। और हमने तो ये फैसला किया है, जैसा कि जनवरी में आपको पहले भी बताया था, कि हमने गैस के दो मुख्तलिफ टैरिफ कर दिए हैं जो 70-75 साल में पाकिस्तान की तारीख में आज तक नहीं हुए। हमने गरीब का टैरिफ अलहदा कर दिया और अमीर का टैरिफ अलहदा कर दिया। गरीब आदमी अगर गैस इस्तेमाल करे और उतनी ही गैस अमीर लोग इस्तेमाल करें, अल्लाह उनको और इस्तेदाद दे और ताकत दे और खुशहाल करे, लेकिन अब उसको 2.5 गुना 2 गुना से 4 गुना तक ज़्यादा पैसे देने होंगे उसी गैस की कीमत के। और उसके नतीजे में जो रेवेन्यूज़ आते हैं उसके ज़रिए हम गरीब आदमी की खिदमत करते हैं। पेट्रोल के अंदर भी हम यही करने की कोशिश कर रहे हैं। और जब भी हमें कोई टफ क्वेश्चन आएगा, अगर हमने कोई एरर करना होगा तो गरीब के हक में करेंगे। मैं इसकी भरपूर तर्दीद करता हूँ। नंबर टू, यहाँ बैठे हुए जो सरकार है वो सारे पूरा साल शोर मचाते हैं कि गैस नहीं आई, SLGC हमारी नहीं सुन रहा, इम्पोर्टेड SLGC MT जो पिछली गवर्नमेंट का तोहफा है वो ना वो बात सुनने को तैयार है, इन्हीं लोगों की गुफ्तगू है, और ना वो जवाब देने को तैयार है। तो आज उन्होंने ये एहतजाज आपके सामने भरपूर अंदाज में किया या नहीं किया, ये शायद गवर्नमेंट में होने की वजह से थोड़ा और हल्का है। दूसरा ये कि आप यहाँ पर आए हैं, लोगों को रोजगारों को परेशानी का सामना है, आप आए हैं, वजीर पेट्रोलियम है, आपके पास ये चार्ज है, आपने कहा वजीर आजम मुझे कहते हैं फौरन जाएं और जाके लोगों को रिलीफ दें, तो आपका यहाँ आना नेक कबूल है कराची वालों को गैस के लिए? जी है, जी है। और ये सारी गुफ्तगू जो हो रही है ये इसीलिए हो रही है कि जो रोजादार हैं उनको अगर किसी भी जगह पर तकलीफ हुई है तो उस तकलीफ को दूर किया जाए और उस तकलीफ को दूर किया जाएगा। जैसे सर्दियों में हमने एक पूरा वक्त दिया था, एक पूरा टाइम टेबल दिया था कि फला फला वक्त में आपके यहाँ गैस आएगी ताकि आप बुकिंग कर लें, उसी मुताबिकत से एक प्लान जो है उसे अभी फाइनलाइज किया जा रहा है ताकि हर एक को प्रिडिक्टेबली पता हो कि कितने घंटे में किस किस वक्त गैस आएगी ताकि वो अपने बच्चों के लिए खाना बना सकें, सहरी का इंतज़ाम कर सकें और इफ्तार का इंतज़ाम कर सकें। जी उस मैं इसीलिए तो यहाँ पे आप मैंने आपको जी रूस के मामलात बिल्कुल ऑन ट्रैक हैं जी, और इंशाल्लाह अगले महीने से हमारे जो चीज़ इसी महीने में हमारे
जी इस महीने में अप्रैल जी अप्रैल अप्रैल इसी साल में हमारा उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट तकरीबन फाइनल स्टेजेस पे है और हमारी वहाँ से क्रूड ऑयल की सप्लाई आनी शुरू हो गई। जी सिंध के साथ कल मेरी इंशाल्लाह मैं कोशिश कर रहा हूँ सिंध की लीडरशिप के साथ मुलाकात मेरी होगी और इन्हीं मामलों के ऊपर फिर उनसे गुफ्तगू जी इंशाल्लाह। मैंने वैसे आपके सवाल से पहले कह दिया था लेकिन क्योंकि आप दोबारा से पूछना चाह रहे हैं तो मैं दोबारा से ये कहूँगा कि इंशाल्लाह मैं इसीलिए हाजिर हुआ हूँ और सिंध के लोगों को सहर और रफ्तार के दौरानिए में ज़रूर गैस मिली। जी हमारी मैंने आपको पहले बताया है कि अगर हमारे पास गैस कम होगी तो पहला हक गरीब का होगा, ये बात मैं आपको क्लैरिटी से बताना चाहता हूँ। और अगर आपने 10 दफ़ा भी पूछनी है तो इसका जवाब एक ही निकलेगा और इंशाल्लाह उसका गरीब को पहला हक दिया जाएगा। सॉरी एक आदमी बात कर रहे एक आदमी ये बात कर रहे एक मिनट एक 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 करके जरा बात कर रहे हैं। जी अगर गवर्नर साहब के पास जी जरूर जी अगर गवर्नर साहब के पास जरूर बजट गवर्नर साहब बड़ी इज्जत की जगह पे मौजूद हैं। यार मेरे आपकी बात नहीं पता नहीं चल रहा आपकी बात का। आप खड़े हो गए एक मिनट हाँ एक्सप्लिसिटली बताओ फिर गवर्नर आपकी जमा करा दे हमारा सर वो खुद नहीं जमा करवाएंगे ठीक है। इस सिलसिले में आप क्या कहेंगे? जी मैं इस सिलसिले में ये कहूँगा कि ज़रूर गवर्नर साहब के पास बजट होगा कि वो इन तमाम बिल्स के पैसे दे सकेंगे क्योंकि इससे पहले यानी बिल ना जमा करवाना जो है वो तो एक और किस्म की तहरीक है जिसका गवर्नर साहब जिस पार्टी को और हमारी हुकूमत को रिप्रेजेंट करते हैं वो तो हम खुद ही इस बात के ऊपर कह चुके हैं कि ये मुनासिब रवैया नहीं है। तो मुझे यकीन है कि उनके पास को बजट होगा जहाँ से वो इसके बिल पे करना चाहते होंगे और अगर उन्होंने एहतजाजन कहा है तो ये तो फिर हम ज़रूर उनसे बैठ के वो हमारे गवर्नर हैं उनसे बैठ के बात करेंगे और समय उनका नुक्ता नज़र समझने की कोशिश करेंगे। ये आहिस्ता आहिस्ता आएगा जो जितना क्रूड आएगा सस्ता उसमें कीमत में फ़र्क आता है जितना डिस्काउंट आएगा वो लोगों को पास होगा। जी नया कनेक्शन अभी जब तक गैस नहीं होगी नहीं मिलेगा। गैस नहीं है ना भाई इसी वजह से नहीं दे रहे अभी आप मोतरेज हैं कि गैस नहीं आ रही। अगर दो मिलियन या 3 मिलियन कनेक्शन इजाफी दे दिए जाएं तो उसके बाद फिर बाकी लोगों को गैस कहाँ से मिलेगी? फिर आपको इम्पोर्टेड गैस की कीमत देनी पड़ेगी। बहुत शुक्रिया।